हाय फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का टेक्निकल नोनियाजी यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं विजेंद्र सिंह। साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए यूट्यूब की तरफ से दो तीन नए अपडेट आए हैं, उन अपडेट को मैं लेकर आया हूं। हालांकि ये जो अपडेट है ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो इन अपडेट के बारे में आपको जानना जरूरी हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यूट्यूब की तरफ से ये जो अपडेट किए थे, ये अपडेट दो तीन दिन पहले ही कर दिए, हालांकि मैं यहाँ पर आपको थोड़ा देर बता रहा हूँ। चलिए इन अपडेट के बारे में अपन जान लेते हैं वीडियो के साथ, वो आप बने रहे। देखिए साथियों, YouTube की तरफ से जो पहला अपडेट किया है वो किया है कम्युनिटी टैब को लेकर। अब अपडेट किया गया है फ्रेंड, जब भी कोई क्रिएटर या हम या आप हो, कोई भी हो, अपन कम्युनिटी टैब के अंदर कोई पोस्ट शेयर करते हैं, कोई इमेज है वो शेयर करते हैं, तो अब से आगे यदि किसी क्रिएटर की पोस्ट है आप देख रहे हो, तो उस पोस्ट को आप अपनी कम्युनिटी टैब में है वो शेयर कर सकते हो। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, जब भी कोई क्रिएटर अपनी कम्युनिटी टैब के अंदर कोई पोस्ट या इमेज है वो शेयर करता था, तो उस पोस्ट के नीचे आप केवल या तो उसमें कमेंट आप कर सकते थे या उस पोस्ट में लाइक है वो आप कर सकते थे, लेकिन उस पोस्ट को शेयर नहीं कर सकते थे अपनी कम्युनिटी टैब के अंदर। लेकिन अब से आगे YouTube की तरफ से ये फीचर अपडेट कर दिया है, अगर आप किसी क्रिएटर की पोस्ट देखते हो तो आप उस क्रिएटर की पोस्ट को अपनी कम्युनिटी टैब की पोस्ट में है वो शेयर कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, इससे फायदा क्या होगा एक क्रिएटर को, फ्रेंड्स यहां पर दो या दो से अधिक क्रिएटर को यहां फायदा होने वाला है, क्योंकि यहां से एक कोलैबोरेट है वो बन जाता है। अगर आपका कोई दूसरा क्रिएटर है जिसे आप जानते हो, आप प्रमोट करना चाहते हो, तो उसके जो कम्युनिटी टैब के अंदर जो भी पोस्ट आई है वो उस पोस्ट को आप अपनी कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते हो। इससे क्या है कि कोलैबोरेट बढ़ता है, एक चैनल है वो प्रमोट हो जाता है। लेकिन पहले क्या करते थे, अपने किसी चैनल या किसी क्रिएटर को प्रमोट करने के लिए या तो उसके चैनल का लिंक अपनी कम्युनिटी टैब में अपन पोस्ट करते थे या फिर उसके वीडियो का लिंक है वो शेयर करते थे, लेकिन अब आप उसकी पोस्ट को शेयर करके कोलैबोरेट है वो यहां कर सकते हो। चलिए दूसरे अपडेट की बात करता हूं। दूसरा जो अपडेट है साथी, वो भी कम्युनिटी टैब को लेकर। फ्रेंड्स, जब भी अपन कम्युनिटी टैब के अंदर पोस्ट शेयर करते हैं तो कोई व्यूवर है या कोई सब्सक्राइबर है अपने पोस्ट के नीचे कमेंट करता था, अब उस कमेंट का रिप्लाई अपन अपने कम्युनिटी टैब के अंदर जाकर ही कर सकते थे। लेकिन नए अपडेट के अनुसार अब आप यदि आपने अपने कम्युनिटी टैब के अंदर कोई पोस्ट शेयर की है तो फ्रेंड्स उसका रिप्लाई है या उस कमेंट है वो अपने YT स्टूडियो के कमेंट सेक्शन में आपको दिखाई देगा और वहां से आप डायरेक्टली ही आप उस कमेंट का है रिप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारे वीडियो के नीचे कोई कमेंट आया, अपने YT स्टूडियो ऐप या फिर अपने YT स्टूडियो का जो डेस्कटॉप मोड है उसमें जाकर के वीडियो के जो भी कमेंट आए थे उसका अपन रिप्लाई करते थे, लेकिन अब आपको वहां पर जो पोस्ट के अंदर जो कमेंट आए हैं किसी व्यूवर के या किसी साथी ने कमेंट हमें किया अपनी पोस्ट के ऊपर, तो उसका रिप्लाई भी अपन YT स्टूडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहां से जाकर के दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बात मुझे YouTube की बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब अपन कम्युनिटी टैब के अंदर कोई भी पोस्ट शेयर करते थे तो हमें ये पता नहीं चलता था कि आखिरकार अपनी पोस्ट के नीचे क्या क्या कमेंट्स आए हैं, लाइक आए हैं, क्या आए हैं, ये पता नहीं चलता था। जब अपन कम्युनिटी टैब को ओपन करते थे उसके बाद ही अपन देख पाते थे, लेकिन अब अपन डायरेक्टली YT स्टूडियो ऐप या फिर जब भी कोई वीडियो का कमेंट आता है उसी प्रकार पोस्ट का भी कमेंट अपने कमेंट सेक्शन में हमें दिखाई देता है। चलिए फ्रेंड्स, तीसरे अपडेट की अपन बात कर लेते हैं। और तीसरा जो अपडेट है YouTube की तरफ से बड़ा अपडेट है, और अपडेट ये है कि भैया अप्रैल 2020 के लास्ट तक YouTube का क्लासिक क्रिएटर स्टूडियो है पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अब जो साथी YouTube के क्लासिक क्रिएटर स्टूडियो के बारे में नहीं जानते उनको मैं यहां बता देता हूं। देखिए भैया, YouTube का जहां पर अपने चैनल की अपन सेटिंग और मैनेज करते हैं फिलहाल वो है YT स्टूडियो। जिस तरह से अपन YT स्टूडियो के अंदर अपने चैनल की सेटिंग करते हैं, अपने चैनल को मैनेज करते हैं, उसी प्रकार से YouTube का जो क्लासिक क्रिएटर स्टूडियो है उसमें पहले अपने चैनल का मैनेजमेंट किया जाता था, सेटिंग है वो की जाती थी। देखिए फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं यहां बता दूं कि जो YT स्टूडियो है वो YouTube की तरफ से दिसंबर 2019 में लॉन्च किया था, और उसके बाद YT स्टूडियो में YouTube की तरफ से काफी नए अपडेट हर दिन हर रोज आते ही रहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताता ही रहता हूं। और उस समय दिसंबर 2019 में YouTube ने यह भी कहा था कि भैया धीरे धीरे अपन YouTube का जो क्लासिक क्रिएटर स्टूडियो है उसको बंद कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो भैया अगर आप देख रहे हो अपना YT स्टूडियो, तो YT स्टूडियो की सेटिंग में सबसे नीचे नीचे एक ऑप्शन आता है भैया वहां पे YouTube क्लासिक क्रिएटर स्टूडियो, भैया वो जल्दी ही वो लिंक है वहां से हट जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि अप्रैल 2020 के बाद आप क्लासिक क्रिएटर स्टूडियो के अंदर काम ही नहीं कर पाओगे। भैया दिसंबर 2019 के बाद क्लासिक क्रिएटर स्टूडियो से YouTube है काफी सारी सेटिंग है वो रिमूव कर चुके
चुका है, काफी सारे जो फीचर है वो रिमूव कर चुका है, अब पूरी तरह से इसे रिमूव ही कर देगा। अगर फ्रेंड्स आपको वाइट स्टूडियो में काम नहीं करना आता है, अपने चैनल की सेटिंग आपको मैनेज नहीं करनी आती है, तो आप सीख लें, क्योंकि काफी सारे ऐसे साथी हैं जो वाइट स्टूडियो ओपन करते हैं और वहां पर उनको सेटिंग समझ में नहीं आती है, फिर वो नीचे नीचे जाकर क्लासिक क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक करते हैं, वहां से अपने चैनल की सेटिंग करते हैं। भैया अगर आप क्लासिक क्रिएटर स्टूडियो के दीवाने हो तो भूल जाओ क्लासिक क्रिएटर स्टूडियो, क्योंकि ये जल्द ही बंद होने वाला। अगर आपको वाइट स्टूडियो के अंदर अपने चैनल की सेटिंग के मैनेजमेंट आपको नहीं करना आता, तो भैया इसके ऊपर मैंने काफी वीडियो बना रखी है, पूरी प्ले लिस्ट है मैंने क्रिएट कर रखी है, उस प्ले लिस्ट का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो आप एक एक करके वो वीडियो देख लीजिएगा, पूरा वाइट स्टूडियो का कोर्स है, उसमें ट्यूटोरियल है, वो आप सीख लीजिएगा, वरना बाद में आपको दिक्कत है वो आ सकती है। तो भैया ये तो थे YouTube की तरफ से दो तीन नए अपडेट, हालांकि कुछ बड़े नहीं थे लेकिन फिर भी मैंने आपके साथ वो शेयर कर दिया। लेकिन फिर भी यार आप मुझे बताना आज की ये जो अपडेट है, ये जानकारी है, आपको कैसी लगी है। अगर जानकारी और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स जो साथी हमारे चैनल पर नए मेहमान है, जो बार बार हमारी वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से देखो कुछ नहीं जाता है, कुछ लोग तो यार मैं तो क्यों उसका चैनल है वो सब्सक्राइब करूं, इसको तो फायदा हो जाएगा। नहीं, कोई फायदा नहीं होता, ये केवल आपके भले के लिए है, क्योंकि जब भी अपन कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी एक सूचना, एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाता है। बस फ्रेंड्स यही आपसे कहना था, मिलते हैं अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।